हाय गाइज, मैं हूँ कमल शर्मा। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, कैसे आप सब लोग? मैं आशा करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ, मस्त हूँ। तो थंबनेल और टाइटल देख के शायद आप समझ गए होंगे आज मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ। जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूँ ओमान में लेबर को कितनी सैलरी मिलती है। अगर कोई आदमी ओमान में लेबर की नौकरी में आता है, यानी हेल्पर की जॉब में आता है, उसको कितनी सैलरी मिलती है और कितना बचत होती है और कितना पैसा वो घर भेज सकता है एक महीने में, उसी बारे में आज मैं बात करूँगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर पहली बार मेरे चैनल में आए, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे देखिए सब्सक्राइब का बटन है, उस बटन को दबा के शर्मा मिक्स ब्लॉग को सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले समय में ऐसे नॉलेजेबल वीडियो आपको मेरे चैनल के माध्यम से देखने को मिले। तो देर न करते हुए चलो शुरू करते हैं, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इस वीडियो को मैं हिंदी में बना रहा हूँ। तो इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये चार कंट्री से जरूर इस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि हिंदी ये चार कंट्री में अच्छी तरह से बोला जाता है, समझा जाता है। तो गाइज, ओमान जब आते हैं लोग नौकरी करने के लिए, कुछ सपना लेके, कुछ अपना ड्रीम लेके यहाँ पर आते हैं, लेकिन एजेंट बताते कुछ और हैं और यहाँ आके निकलता कुछ और है। तो आज आपको मैं रियलिटी बताऊँगा कि 2023 साल शुरू हो गया, ये न्यू ईयर में ओमान में कितनी सैलरी मिलती है, हेल्पर को कितना पगार मिलता है, खाना मिलता है नहीं मिलता है, किस प्रकार के कंपनी में आना चाहिए, सब कुछ मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा। अमूमन लोग, ज़्यादातर लोग जो ओमान में जॉब करने आते हैं, वो किसी न किसी एजेंट के थ्रू आते हैं, अपने सगे संबंधी या दोस्त के थ्रू बहुत ही कम आते हैं, ज़्यादातर आते हैं एजेंट के थ्रू। तो एजेंट क्या करते हैं, बड़ा चढ़ा के बताते हैं। वो एजेंट बताते हैं आपको वहाँ जाके इतना पैसा मिलेगा, आपको इतना पैसा मिलेगा, बहुत बड़े बड़े सपने दिखाते हैं आप लोगों को। जो भी लोग नया आना चाहते हैं या ओमान आने वाले हैं या फ्यूचर में सोच रखा है ओमान आने के लिए, उन लोगों को ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो एजेंट लोग यही बहुत सारे बड़ा चढ़ा के बताते हैं कि आप ओमान, आपको मैं भेज रहा हूँ, इतना पैसा मिलेगा आपको, उतना पैसा मिलेगा। रियलिटी में यहाँ आने के बाद जो एजेंट बताते हैं वो गलत निकलता है, यहाँ आने के बाद कुछ और मिलता है सैलरी। तो उसी बारे में बात करता हूँ मैं आज आपको, खुलकर बताऊँगा, बिल्कुल छुपाऊँगा नहीं, पूरा क्लियर करके बता दूँगा आपको, बिल्कुल पानी की तरह साफ हो जाएगा आपको इस वीडियो देखने के बाद कि ओमान में कितनी सैलरी मिलती है लेबर को, एक हेल्पर को। मैं पीछे से धूप आ रही होगी ना। हाँ गाइज, अभी मैं अपने रूम से परे बिल्कुल शांत वातावरण में, बिल्कुल पेड़ों के छाँव में बैठकर इस वीडियो को बना रहा हूँ, बिल्कुल नेचुरल एनवायरनमेंट में हूँ। आप बताना, लाइक कर देना और कमेंट करके बताना अभी मैं कैसी जगह में बैठा हूँ, ठीक है जी। चलो अब आते हैं मेन मुद्दे पे। पहले बताऊँ मैं ओमानी करेंसी के बारे में बिल्कुल शॉर्ट में। ओमान का जो एक रुपये होता है, यहाँ का जो एक रियल होता है, उसका इंडिया में होता है आज का जो बैंक रेट है 214 रुपये, और ओमान के एक रियल का, ओमान के एक रुपये का नेपाल में होता है 343 रुपये, यानी 343। और ओमान का एक रियल का, ओमान का एक रुपये का बांग्लादेश में होता है 278 रुपये, और ओमान के एक रियल का, ओमान के एक रुपये का पाकिस्तान में होता है 705 रुपये। बहुत सारे एजेंट भोले भाई लोगों को फंसाते हैं, झूठ बोल के ओमान भेजते हैं। बहुत से कहते हैं आपको मैं ओमान भेज रहा हूँ, वहाँ जाने के बाद आपको लेबर की जॉब में, हेल्पर की नौकरी में आपको 50,000 मिलेंगे, 60,000 मिलेंगे, 45,000 मिलेंगे, इस प्रकार से बहकाते हैं। और यहाँ आने के बाद भोले वाले लोगों को जिस हिसाब से एजेंट बताते हैं उतना पैसा नहीं मिलता है। तो उसी बारे में मैं खुलासा करने वाला हूँ कि वाकई यहाँ कितना पैसा मिलता है। इस वीडियो को लंबा ना करते, जल्दी से बिल्कुल शॉर्ट में बताता हूँ आपको। अगर आप ओमान आते हैं किसी हेल्पर की नौकरी में, लेबर के जॉब में, तो आपको यहाँ पर मिलेगा 70 रियल से लेके 80 रियल बेसिक, उसमें अलाउंस वगैरह थोड़ा ओवर टाइम वगैरह लगा के आपको 110-120 रियल तक मिल सकता है। जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ होंगी वहाँ पर आपको खाना रहना फ्री होगा, खाना इतना स्वाद नहीं होगा, लेकिन हाइजीन का पूरा ध्यान रखा जाता है, खाना बिल्कुल स्वस्थ होगा, खाना कोई बासी वासी खाना नहीं मिलेगा, खाना ताज़ा मिलेगा। लेकिन यही है ना, 1,500-1,500 लोगों का खाना एक साथ बनता है, तो जो घर वाला स्वाद, तो घर वाला जायका आपको खाने में नहीं मिलेगा। लेकिन आपको मैं बिल्कुल क्लियर बताना चाहूँगा, बिल्कुल एजेंट के झूठे झांटे में ना फंसें, आपको सही सैलरी में बता रहा हूँ, वही सैलरी आपको यहाँ मिलेगा। मैं पिछले 12 साल से ओमान में हूँ, मुझे पता है ओमान में हेल्पर की नौकरी में कितना पैसा मिलता है, लेबर की नौकरी में कितना पैसा मिलता है, सऊदी, दुबई, कतार में कितना मिलता है, मुझे नॉलेज है, क्योंकि पिछले 12 साल से ओमान में हूँ, उसी अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, अपने नॉलेज के आधार पर आप लोगों को बता रहा हूँ मैं।
तो गाइज अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको 70 से लेके 80 रियल बेसिक मिलेगा, उसमें कुछ अलाउंस ऐड होंगी, कुछ ओवर टाइम ऐड होगा, तो आपको 100 रियल, 110 रियल या 120 रियल तक आप कमा सकते हैं। 100 रियल का मतलब है इंडिया में लगभग 20,000 के आसपास। तो आपको यहाँ पर खाना पीना भी मिलेगा, किसी बड़ी कंपनी में आते हैं तो आपको कंपनी आपको खाना भी देती है, रहने का एकोमोडेशन भी देती है आपको कंपनी। अगर आप किसी ठेकेदार के थ्रू किसी छोटे कंपनी में आते हैं तो खाना आपको खुद अपने आप बनाना पड़ेगा, अपने खर्चों में बनाना पड़ेगा। कुल मिलाकर सारी बातों का आपको निचोड़ बता देता हूँ मैं। अगर आप ओमान आते हैं तो 20 से 22 रियल, ज़्यादा से ज़्यादा 25 रियल तक आप कमा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कमा सकते। किसी झूठे मक्कार एजेंट के चक्कर में ना फंसें, आपको मैं सही नॉलेज दे रहा हूँ, सही जानकारी दे रहा हूँ गाइज। क्योंकि बड़े बड़े पोस्ट वाले जो होते हैं, मैनेजर हो गए, सुपरवाइजर, फोरमैन हो गए, ऑपरेटर हो गए, उनकी बात नहीं करूँगा मैं, क्योंकि बेसिकली बहुत सारे लोग यहाँ पर सबसे पहले लेबर में आते हैं, बहुत से लोग यहाँ पर हेल्पर में आते हैं बहुत से लोग। और यहाँ पर जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, गवर्नमेंट कार्यालय हैं, या एयरपोर्ट है, या कई मतलब कई सारे ऐसे बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, वहाँ पर जो क्लीनर होते हैं ज़्यादातर बांग्लादेश के ज़्यादा होते हैं, हालांकि इंडिया के भी होते हैं और भी कंट्री के होते हैं, लेकिन ज़्यादातर बांग्लादेश के ही होते हैं। अगर कोई बंगाली भाई मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो समझ जाएं, और कोई क्लीनर में आता है यहाँ साफ सफाई करने के लिए, झाड़ू पोछा करने के लिए अगर यहाँ पर आता है तो उसको 70-80-90 रियल के आसपास ही मिलेंगे। उसमें अगर ओवर टाइम होगा तो एक्स्ट्रा मिलेगा, इतने ही पैसे मिलेंगे उसको, इससे ज़्यादा नहीं मिलने वाले। तो किसी गलत एजेंट के चंगुल में न फंसें, किसी गलत एजेंट के बहकावे में ना आए, कि एजेंट का काम है लूटना, क्योंकि उनको पैसा मिल रहा है उनको बाहर भेजने का, ओमान, सऊदी, दुबई, कतर, कहीं भी भेजते हैं, एजेंट पैसा खाते हैं, उनको अपने पैसे से मतलब है, अपने कमीशन से मतलब के। सामने जो बंदा जा रहा है ओमान, सऊदी, दुबई, जहाँ भी जा रहा है, उसके साथ वहाँ जाने के बाद क्या बीतेगा, कि कैसा सलूक किया जाएगा उसके साथ, कितना पैसा मिलेगा, बेचारा इतना दूर जा रहा है कितना पैसा बचाएगा, इससे उनको कोई मतलब नहीं है। अमूमन एजेंट ऐसे हैं, 100 में से 99% एजेंट ऐसे होते हैं, एक के दुख के बढ़िया होते हैं, मैं ये सभी को गलत नहीं कहूँगा, लेकिन 100 में से 99% एजेंट ऐसे होते हैं। तो गाइस सोच समझ कर आप ओमान आएँ या सऊदी, दुबई, कतर, जहाँ भी जाएँ, सोच समझ कर जाएँ, गलत एजेंट के, गलत दलाल के चक्कर में ना फंसें, क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे दलाल ये धंधा बना रखा है, गलत सपने दिखाते हैं यहाँ आने वाले नए लोगों को, बहकाते हैं, बड़े बड़े सपने दिखाते हैं। तो गाइस सतर्क रहें, होशियार रहें, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। अगर आपको मेरे वीडियो से कुछ जानकारी मिली हो, मेरे वीडियो से कुछ नॉलेज मिला हो, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो शर्मा मिक्स ब्लॉग आपके भाई का चैनल है, नीचे देखिए सब्सक्राइब का बटन है, उस बटन को दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप जानना चाहते हैं ओमान में टॉप 10 बढ़िया कंपनी कौन सी है, उसके बारे में वीडियो चाहते हैं, तो आप कॉमेंट कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट टाइम जो वीडियो लेकर आऊँगा उसी कंपनी के बारे में बताऊँगा जो ओमान में सबसे बड़ी 10 कंपनियाँ हैं। तो गाइज नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।